13 नवंबर को फलकटुमा पुलिस स्टेशन हदूद में वाकई पाइनबाग जहानुमा में पेश आने वाली कत्ल की वारदात में मुलविस 4 मुलजमीन को फलकटुमा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया, जिसमें एक हुसैन यलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड भी शामिल है जो कि मुलजिम नंबर 1 है। डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने बताया कि मकतूल मोहम्मद आरिफ जो कि पेशे से मोबाइल टेक्नीशियन था, वो एक लड़की से आशिकी किया करता था और जनवरी 2022 में वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज से मकतूल आरिफ की माशूखा की सेहत खराब थी। आरिफ को शुबा हुआ कि उसकी बहन जो कि हुसैन यलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड मोहम्मद समी मोहुद्दीन की बीवी है, वो काला जादू करवा रही है, जिसके सबब वो अपनी बहन के घर जाया करता और उससे लड़ाई झगड़ा किया करता था। यही नहीं बल्कि मकतूल आरिफ ने अपने बहन भाई से 2 लाख रुपए मांगे ताकि वो अपनी माशूखा का इलाज करवा सके, जिस पर कांस्टेबल मोहम्मद समी मोहुद्दीन जो कि मुलजिम नंबर 1 है और आरिफ का बहनोई भी है, उसने इलाज के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन मकतूल आरिफ की जानिब से मुसलसल हिरासा किया जा रहा था और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि मुंबई के रहने वाले एक बाबा ने आरिफ को बताया था कि उसकी माशूका पर काला जादू किया गया है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब रहती है। मकतूल आरिफ की मुसलसल हिरासानी के सबब होमगार्ड मोहम्मद समी मोहुद्दीन ने अपने भाई मोहम्मद अमजद मोहुद्दीन और 2 दोस्त मोहम्मद अली और आमिर मोहम्मद के साथ मिलकर आरिफ के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और 13 तारीख की रात 11 बजे मोहम्मद अमजद मोहम्मद अली और आमिर मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचे और दस्तक दी। जैसे ही मकतूल आरिफ घर के बाहर आया, मुलजिम नंबर 4 आमिर मोहम्मद ने आरिफ पर मिर्च पाउडर फेंका और मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद अमजद मोहुद्दीन और मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद अली ने तेज धारी वाले हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके सबब वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इन 4 मुलजमीन को आज फलकटुमा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। 13 तारीख सैटरडे नाइट को मोहम्मद आरिफ नाम के एक बंदे का कत्ल किया गया फलकटुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किए, इसमें A1 है समी मोहुद्दीन जो हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के होमगार्ड है, और A2 उसका भाई अमजाद मोहुद्दीन और उनके दोस्तों मोहम्मद अली आमिर मोहम्मद खान, 4 को गिरफ्तार किए। इसमें इसके पीछे ये है कि ये मोहम्मद आरिफ जो है वो एक लड़की से शादी करने का इरादा था, जनवरी में करने वाले थे दोनों, लेकिन पिछले 2-3 महीने से उनका वो लड़की का तबीयत ठीक नहीं था, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दिए उनके रिसेंटली आ गए। तो लड़की एक बाबा बॉम्बे में रहने वाले एक बाबा के पास गए और बाबा बोले कि इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, और इसको शक लगा कि ये समी जो उसका समी का ये साला है, ये उसका आरिफ का सिस्टर जीजा, आरिफ का जीजा समी, उसका उस पर इल्ज़ाम लगाया कि समी ये सब ये ब्लैक मैजिक जो है ये करवा रहे, वो बहुत बार उसके घर में जाके बहुत उसको तंग किया और उसको इसलिए उसको थोड़ा पैसे भी दिया समी उसको चुप रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो रोज़ आके उसको तंग कर रहा था। और सैटरडे रात को अपने भाई और उसको भाई के दो दोस्तों उनसे पैसे देके बोला कि उसको ख़त्म करने का, और उसी दिन रात 11 बजे के आसपास उसके घर में जाके उस पर अटैक किए, उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। और समी मोहुद्दीन जो होमगार्ड है हुसैन आलम PS के, उसको सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाएगा उस पर रिपोर्ट लगा के, और वे 4 को अभी गिरफ्तार किया।